गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 6 अगस्त 2021 वर्ग तृतीय विषय हिंदी अध्याय इक्कीस। अध्याय का नाम है बच्चों अच्छा रास्ता। पढ़ाई होने जा रही है। ये कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोग इस कहानी को सुनने का कोशिश कीजिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। तो अच्छा मार्ग का मतलब होता है क्या? अच्छा आचरण, सदा सच बोलिए, ईमानदार बनिए, बड़ों को सम्मान कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, यही तो अच्छा मार्ग है। और ये कहानी के माध्यम से आपको हम बतलाने जा रहे हैं। आप सबसे पहले इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है, लिख लीजिए और आप याद कीजिए। तो सुनिए अच्छा मार्ग की कहानी हम बढ़ाने जा रहे हैं। गुरु नानक का नाम आप लोग सुने होंगे। गुरु नानक सिखों का प्रथम गुरु थे, याद रखिएगा। सिखों का प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और सिखों का दसवां गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवीं गुरु, याद रखिएगा बच्चों। अब मैं अच्छा मार्ग की कहानी बतलाने जा रहा हूँ। कहानी सुन लीजिए। एक डाकू था। आए दिन डाका डालते वह तंग आ गया। सताए गए लोगों को चीख पुकार उसके मन मस्तिष्क पर छा गई। वह हर समय परेशान रहने लगा। उन दिनों सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की प्रसिद्धि जो है सब ओर फैली हुई थी, चारों ओर फैली हुई थी। डाकू ने मन में सोचा, गुरु नानक शायद मेरी परेशानियों का हल कर देंगे। इसलिए वह गुरु नानक के पास गया और बोला, महाराज मैं लूट मार करते करते थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मेरा मन मुझे हर समय कोसता रहता है, मुझे बताइए इस परेशानी से कैसे छुटकारा मिल सकता है। गुरु नानक बोले, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बुरे काम करना छोड़ दो, मन को आप शांति मिल जाएगी। बुरा काम का बुरा नतीजा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और गुरु महाराज की बात सुनकर डाकू जो है अपने घर लौट आया। उसने अपने मन को लाख समझाया, पर बुरी आदतों से पिंड नहीं छूटा। वह परेशान होकर गुरु नानक के पास पहुंचा और उन्हें अपनी परेशानी का सुनाई। गुरु महाराज कुछ देर सोच विचार कर बोले, तुम्हारी बुरी आदतें नहीं छूटती तो एक काम करो, तुम जो भी काम करो उसे छिपाकर मत करो, सब बात साफ साफ दूसरों को बता दिया करो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी सब परेशानियां अपने आप दूर हो जाएगी। डाकू मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान रास्ता है, जो कुछ करो वह दूसरों को बता दो। बस वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। पर डाकू की बुरी आदतें नहीं छुटी। वह फिर अपने पुराने रास्ते पर चलने लगा। तब उसे गुरुजी की बात याद आई। गुरु कौन? गुरु नानक जी का है ना, उनकी बात याद आई। उसने अपने बुरे कारनामों के बारे में दूसरों को बताना चाहा, लेकिन यह कहा,
बताते समय उसकी जवान पर तो मानो ताला पड़ गया। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। मन ही मन सोचने लगा, किस मुंह से अपनी काली करतूतें दूसरे को बताऊं? इन्हें सुनकर दूसरे लोग क्या कहेंगे? मैं सोचता था दूसरों को अपने बुरे कामों के बारे में बता देना अब बहुत आसान है, पर यह तो डाका डालने से भी मुश्किल है। पर डाका डालना भी बुरा काम है तो फिर कठिन और बुरे काम को छोड़कर आसान और अच्छा रास्ता क्यों नहीं चुन लूं? डाकू ने सरल और अच्छा मार्ग चुन लिया। उस दिन के बाद उसने डाके डालना और लोगों को सताना बंद कर दिया। अब अपने गलत कामों के लिए लज्जित होने की उसे आवश्यकता नहीं थी। महापुरुष इसी तरह भटके हुए लोगों को ठीक रास्ता बतलाते हैं बच्चों। इसलिए आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोगों का कर्तव्य है कि बड़े महापुरुषों की बात को अपने जीवन में उतारें, बड़ों को सम्मान कीजिए और सच्चे रास्ते पर सही रास्ते पर चलिए, चोरी नहीं कीजिए, किसी को झगड़ा नहीं कीजिए, क्रोध मत कीजिए, है ना। यही जो है सनातन धर्म है और इसी ये जो आपको पढ़ाया गया आज आप इसको याद कर लेंगे, फिर अवश्य करेंगे, शब्दार्थ याद कर लेंगे।